बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सबास किचन में आपको वेलकम कहती हूँ। आपको मेरी डिश पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज हम बना रहे हैं छोलों का पुलाव। छोलों का पुलाव बनाने के लिए हमने जो लिए हैं हाफ के जी चावल, एक बाउल बॉयल चने, प्याज, एक बड़ी प्याज ली है हमने, इसको बारीक बारीक काट लिया है, लहसुन अदरक हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है, पुदीना लिया है, 4 टेबलस्पून दही लिया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, कुटी मिर्च 1/2 टेबलस्पून, गरम मसाला। गरम मसाले में जो है मैंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सब चीज़ें ली हैं, और जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये हमने आपको दिखाने के लिए रखा था, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये बिल्कुल लास्ट में दम पे डलेगा, नमक हंसते जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें हम जो है ना छोलों का पुलाव जो है रेडी करने आ गए हैं। हम इसमें डालते हैं ऑयल। सबसे पहले हमने ऑयल डाला, उसके बाद हम जो है ना प्याज, हमने प्याज जो है ब्राउन होने के लिए रख दी है। ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम और सामान डालेंगे। आप लोग देख रहे हैं, मैंने ना थोड़ी सी प्याज निकाल ली है ऊपर सजाने के लिए। अब हम और थोड़ी इसमें पड़ी रहने के लिए अब हम डालेंगे। हमने प्याज तो निकाली है, अब हरी मिर्च, जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो हम डालेंगे, क्योंकि वो डाल दिया हमने। प्यारी स्मेल आ रही है। जीरा डाल रहे हैं हम, कुटी मिर्ची, गरम मसाला, नमक डाल दिया है हमने इसमें। अब हम इसमें दही डाल रहे हैं। अब हम इसको सब डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो बॉयल हो गए छोले ना, वो डाल देंगे। हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमें भिगो के, चावल डाल रहे हैं हमें भिगो के रखे, क्योंकि हमने जो है ना इसमें पानी खुश्क होने लगा है इसका। अब हम इसमें डालेंगे जायफल, जावित्री और ज़ीरा, और जो ये ब्राउन प्याज हमने उठाई थी ना पहले, वो डाल के अब हम इसको दम पे लगा देंगे। हमारा छोलों का पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा।